दोस्तों, जय सेवा, जय जवाहर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम पधारे हैं कुनखेड़ी के पास, ताप्ती नदी के किनारे, जहां पर बहुत ही मनोरम दृश्य नज़र आ रहा है हमें। इसमें हम आपको देख रहे हैं, बहुत जो नदी दिखाई, बहुत लंबी नदी दिखाई दे रही है, और ये पुल बना हुआ है जो कासमारखंडी और कुनखेड़ी के बीच बना हुआ है। और हम आपको दिखाएंगे कहाँ तक ये नदी जा रही है। आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। अभी आप देख सकते हो पूरे चारों ओर हरियाली ही हरियाली ही। इस प्रकार से हमारे बैतूल जिला का खूबसूरत नज़ारा आपके समक्ष है। अब इसी के मध्य, इस खूबसूरती नज़ारे के मध्य आपके बीच आप देख सकते हैं पीछे साइड में, यहाँ बाबा भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर है। ये पीछे बैक साइड है और उधर सामने से बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आप चाहो तो इस साइड से चलकर देख सकते हैं। ये देखिए कुनखेड़ी गांव है और ये ताप्ती नदी का खूबसूरत नज़ारा। और ये जो ग्राम कुनखेड़ी है, आज चारों ओर हरियाली हरियाली। यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा मक्के की फसल बोया है किसान भाइयों ने, सोयाबीन की फसल बोया है। पर अभी कुछ दिन पहले बारिश के कारण बहुत सारे गांवों में फसल चौपट हो चुकी है। पर निराशा के बीच एक आशा की उम्मीद यहाँ पर दिखाई प्रतीत हो रही है। तो हम आपको भोले बाबा का दृश्य करवाना चाहेंगे। यहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है। जय भोलेनाथ। आप इस साइड देख सकते हैं, इस साइड से ये देखिए, ये ताप्ती नदी का इतना खूबसूरत नज़ारा। और उधर उस साइड में किसान भाई लोग, मतलब जो फसल बोया है, और थोड़े से आगे में एक सुंदर इस पहाड़ी का दृश्य जो इस समय जहाँ पर वृक्ष हैं ये हरे भरे हुए हैं। अलग ही सुंदर छटा यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है। ये हम आज कुनखेड़ी गांव के पास एक ताप्ती नदी का दृश्य देखने और मंदिर में आए हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य लगा और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। अभी सभी दूर हरियाली, किसान और जंगल सारे के सारे नज़र हरे नज़र आ रहे हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में। ये वैसे भी पूरा, मतलब बहुत दूर है, जंगल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कई प्रकार की जो सुविधाएं हैं, संसाधन, ये इनकी कमी है।